भाई नमस्कार। इस वक्त सुबह के करीब 3:30 बज रहे हैं और इस वक्त मैं हूं अभी फिलहाल उदयपुर रेलवे स्टेशन यानी राजस्थान में। फिलहाल आज हम लोग उदयपुर से असरवा के बीच जर्नी करने वाले हैं और जो ट्रेन है अपनी वो है 19317 वीरभूमि एक्सप्रेस। ये ट्रेन डेली इंदौर से करीब 5:55 को शाम को चलती है और अगले दिन सुबह करीब 10:50 पर असरवा रेलवे स्टेशन जो है वो पहुँचाती है। हालांकि ये ट्रेन एक टाइम पे उदयपुर सिटी तक ही चलती थी, लेकिन उसके बाद मार्च 2023 में इस ट्रेन का रूट एक्सटेंड कर दिया गया असरवा तक। अपनी ट्रेन का यहाँ पे जो उदयपुर आने का टाइम है ना वो है करीब 4:10 का और डिपार्चर का टाइम है 4:50 का। करीब 40 मिनट का हॉल्ट दिया गया उदयपुर रेलवे स्टेशन पर। और सुबह के टाइम पर ट्रेन पकड़ना और वो भी ठंडी के टाइम पर कितना कठिन काम है ये आप लोग जानते ही होंगे। हम लोग उठे कैसे भी फ्रेश वगैरह हुए, अभी आए यहाँ के डॉर्मेटरी में हम लोगों ने स्टे किया हुआ था। आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तो 12981 जयपुर असरवा सुपर फास्ट एक्सप्रेस आ चुकी है डीजल लोकोमोटिव के साथ। डीजल लोकोमोटिव ज़्यादातर ना आप लोग को इसी रूट पे देखने के लिए मिल जाएगा, बाकी के और रूट पे जल्दी देखने के लिए अब नहीं मिलता है डीजल लोकोमोटिव। लोकोमोटिव देख लीजिए इसके अंदर WDP4 भी लगा हुआ है। ये जो दूसरा हाथ है ना जेब के अंदर से निकल ही नहीं पा रहा है ठंड के कारण। तो यहाँ पे मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हैं ना एंट्री और एग्जिट गेट के जस्ट सामने इनकी स्टॉल है, तो इनकी एक बार चाय जरूर ट्राई करना। हमने कल से 3 बार भाई ट्राई कर चुके, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। 20 वाला दे दीजिए फिलहाल। हाँ वही फिलहाल यहाँ पे मॉर्निंग में हम लोग 20 का एक नमकीन ले रहे हैं खट्टा मीठा और उसी के साथ ही 10 की अंकल की चाय। भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है, अगर आप लोग आते हैं ना उदयपुर में एक बार ट्राई जरूर करिएगा। धन्यवाद, एक चाय दे दीजिएगा। यही चाय की बात कर रहे हैं, इसकी क्वांटिटी भी आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छी खासी दी गई है। बढ़िया सर। भाई साहब देखिए ऐसा है ना कि सबकी चॉइस है जो वो अलग अलग होती है, सबकी पसंद अलग अलग होती है, लेकिन मैं अपने पसंद से ही तरीके से आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब जाके बढ़िया लग रहा है। वैसे आप लोगों की तरफ से हमसे 2 सवाल है जो काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। सबसे पहला ये कि भाई आप रिकॉर्डिंग के लिए डिवाइस कौन सा यूज़ कर रहे हो, गोप्रो कैमरा है या फिर एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर आईफोन है। और दूसरा सवाल ये है, आप लोग पूछते रहते हैं कि भाई आप पब्लिकली किस तरीके से बोल लेते हैं, किस तरीके से कर लेते हैं। सबसे पहले सवाल का जवाब ये है कि मेरे पास 2019 का मॉडल है वीवो Z1 Pro, इसी से भाई मैं रिकॉर्डिंग, इसी से एडिटिंग, हर एक चीज़ मैं इसी से करता हूँ। मेरे पास एक्स्ट्रा लैपटॉप या फिर कोई एक्शन कैमरा नहीं है। जो मैं डिवाइस बोलते रहता हूँ मैं अपने फ़ोन को ही बोलता हूँ। और भाई साहब रेलवे स्टेशन पे लाइट ही बंद हो गई, लाइट अचानक से बंद हो गई पूरे स्टेशन की, पता नहीं क्या हुआ भाई पूरे स्टेशन की लाइट अचानक से बंद हो गई। 10 मिनट है अभी अपनी ट्रेन को आने को, रुकिए लाइट चालू हो जान दीजिए फिर कंटिन्यू करते हम लोग अपनी वीडियो। तो खैर बोलते ही लाइट वापस भी आ गई। तो आप लोग पूछते रहते हैं कि भाई आप पब्लिकली किस तरीके से बोल लेते हैं, किस तरीके से सब मतलब कर पाते, कॉन्फिडेंस कैसे आता। मैं बता दूँ टैलेंट टैलेंट की बात है, सबके अंदर अलग अलग तरीके का टैलेंट होता है, बस इसको ढूंढने की देरी होती है। तो इसीलिए कभी किसी को जज मत करिएगा। और बात रही बोलने की कॉन्फिडेंस की, तो एक टाइम था जब मेरे पास भी नहीं था भाई साहब ये कॉन्फिडेंस। पहले वाला जो मेरा व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा कानपुर वाला चैनल पे होगा, अभी भी जाके आप लोग देख सकते हैं जो मेरा सबसे पहला व्लॉग होगा भाई, उसके अंदर मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ मैं सिर्फ एक सीन शूट करने के लिए, मुझे अभी भी याद है LTT पे मैं प्लेटफॉर्म पे ऊपर खड़ा हुआ था, वो एक सीन को शूट करने के लिए मुझे करीब 1 घंटे का समय गया था। मैं जगह पे खड़ा था कि पब्लिक यहाँ से कब जाए आगे और मैं कब अपना वो सीन रिकॉर्ड कर पाऊँ, मुझे अभी भी याद है। मैं सच बता रहा हूँ 1 घंटा मैं पूरा खड़ा था प्लेटफॉर्म पे ऊपर ब्रिज के ऊपर कि वो सीन मैं सिर्फ शूट कर सकूँ। थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन देना गया था ट्रेन के बारे में, तो बस वो सीन का सीन शूट करने के लिए मैं 1 घंटा खड़ा हुआ था। तो ऐसा है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप जब आगे बढ़ते जाएंगे करते जाएंगे ना तो वो अंदर से फिर आपको मतलब ऐसा लगने लगे कि ठीक है कोई बोल रहा है नहीं बोल रहा है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। और आप वीडियो भले व्लॉगिंग कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, पब्लिक आपको देखेगी ज़रूर, लेकिन उसमें आपको कोई आगे कोई बोलने वाला नहीं है, कोई मारने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं ये क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आप व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं तो एकदम कॉन्फिडेंसली करें, किसी से डरिए बरिए मत। और अगर आप शर्मा रहे हैं भाई साहब डर रहे हैं तो फिर रहने दीजिए, आपकी बस की बात नहीं है। देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपका डीमोटिवेट कर रहा हूँ, ऐसा ना कि भाई सबके अंदर अलग अलग तरीके का टैलेंट होता है, बस उसे ढूंढने की देरी होती है। कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई खेल कूद में अच्छा होता है, तो कोई व्लॉगिंग वगैरह ये सब चीज़ों में अच्छा होता है। बस इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी की नाकामियों पर भाई साहब हंसिएगा मत, फिर चाहे वो बंदा पढ़ने में अच्छा ना हो तो उसे पे मत हंसिएगा, खेल कूद में अच्छा ना हो, क्योंकि उसके अंदर भी टैलेंट है, बस अलग तरीके का टैलेंट है, उसे वो ढूंढने की देरी है। और जिस दिन उसने ढूंढ लिया ना भाई साहब वो इतिहास रच देगा, बता रहे हैं आपको। तो अभी फिलहाल ट्रेन को यहाँ पे आने के लिए 10 मिनट का समय बचा हुआ है, हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे। 4:03 हो गया है, एकदम ऑन टाइम पे उदयपुर में 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। वडोदरा शेड का WAP7 लगा हुआ है देखिए इसके अंदर। जनरल कोच देखिए पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है।
अपनी आज की जो जर्नी है वो होने वाली इस ट्रेन के S4 कोच में। ये S8 है, S4 यहाँ पे पीछे की तरफ है। खैर चलिए चलते हैं अपने कोच की तरफ। आज का जो अपना बर्थ है वो है 6 नंबर अपर बर्थ। लगेज वगैरह रखने के लिए काम में आने वाला है, उस पर लेटने के लिए तो जाएंगे नहीं भाई फिलहाल। चलिए देखते हैं अंदर क्या सीन है। ट्रेन के अंदर की मतलब बाहर की कंडीशन कुछ इस तरीके से है। देखिए यहाँ पे मिरर, डस्टबिन नहीं है, यहाँ पे भी डस्टबिन नहीं है, स्टिंग्यूशर है यहाँ पे, डस्टबिन भले नहीं है लेकिन ठीक है, मेंटेन करके रखा है। देखिए साफ सफाई, पानी चालू है फिलहाल। देखिए ये है अपना बर्थ, 6 नंबर अपर बर्थ। कोई तो अभी लेटा हुआ है तो यहाँ पे इनको उठाने के लिए भाई अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिलहाल लगेज रखना पड़ेगा अपने को कहीं ना कहीं। खैर लगेज वगैरह हमने कैसे भी एडजस्ट कर लिया है। अभी यहाँ पे 4:20 हो रहा है ट्रेन को अभी चलने के लिए, 20 मिनट का समय बचा हुआ है। वैसे मुझे लिटरली नहीं पसंद कोई सोया रहता ना। कितना हो जाए? 4, देखिए ना यहाँ पे 4:23 हो रहा है। लिटरली हमें नहीं पसंद है भाई कोई सोया रहता तो उसे नहीं डिस्टर्ब करने का, लेकिन लगेज रखने का था तो ठीक है। हमने कैसे भी एडजस्ट कर लिया, उन्हें उठाया नहीं अपने सीट से, लगेज रख दिया वहाँ पे, वो लेटे हुए हैं। और हाँ मैं आपको दिखाऊँ ट्रेन के अंदर का इंटीरियर, पूरी की पूरी ट्रेन ही ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए अभी अंधेरा है बहुत तो काफ़ी ज़्यादा, आपको दिखाई देगा कि नहीं देगा लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये अंदर का हाल है ट्रेन का, देखिए ये वाला कंपार्टमेंट मोस्टली पूरा का पूरा खाली हो चुका है, यानी उदयपुर में ऑलमोस्ट पूरी ट्रेन खाली हो जाती है। देख रहे हैं यहाँ पे भी ये पूरा का पूरा खाली है कोच। निर्धारित समय से बिल्कुल ऑन टाइम पे अपनी ट्रेन रवाना होती है 4:50 पे उदयपुर के 1 नंबर प्लेटफॉर्म से। उमरा रेलवे स्टेशन गया, उसके बाद अब अपनी जो ट्रेन है ये 9700 किलोमीटर पर आर की स्पीड में रन किए जा रही है। विंडोज़ देखिए चारों तरफ हमने बंद करके रखा हुआ है, लेकिन ठंड भाई साहब इतनी ज़्यादा लग रही है ना, थोड़ा बचा के रखिएगा ठंडी के टाइम पे भाई, स्वेटर शॉल वगैरह लेके चलिए। और वो कान पे जो टोपी बांधते हैं ना खास कर उसको कैरी करना भूलिएगा नहीं, ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब बहुत लग रहा है ट्रेन के अंदर। बस देखिए सुबह के करीब 6:20 होने वाले हैं और यहाँ पे हल्का हल्का उजाला होना स्टार्ट हो चुका है। सेमारी रेलवे स्टेशन करके कोई रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, सेमारी करके कोई स्टेशन है वहाँ पे, अभी इस वक्त अभी हम लोग एंटर कर लिए है। भाई सुबह के टाइम पे क्या ही व्यू लग रहा है यहाँ का। तो भाई सुबह के करीब 6:23 पर अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सेमारी रेलवे स्टेशन, यहाँ आता है राजस्थान में। जो पूरा स्टेशन है ना आजू अगल बगल पूरा का पूरा माउंटेन है इसके, भाई काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ट्रेन यहाँ पे एंटर कर रही थी। तो 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है स्टेशन पे और पीछे आप लोगों ने देखा ना लोकल पैसेंजर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बोर्ड किए हैं जनरल कोच में। क्या ही व्यू लग रहा है मॉर्निंग का सुबह के टाइम का। खैर अपनी ट्रेन की हॉन्किंग हो चुकी है, चलिए लेते हैं यहाँ से डिपार्ट। उत्तर पश्चिम रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जिसे अजमेर डिवीजन के थ्रू ऑपरेट किया जाता है ये स्टेशन को। बाहर का मैं आपको सीन दिखाता, देखिए कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये देख रहे हैं माउंटेन है पूरा का पूरा, अगल बगल स्टेशन के पूरा का पूरा माउंटेन है। बाकी मॉर्निंग की व्यू का मजे लीजिए आप लोग। ट्रेन इस समय देखिए अपने कर्व पे, देख रहे हैं कितना जबरदस्त लग रहा है ये नज़ारा। देख रहे हैं माउंटेन भाई क्या ही शानदार कर्व है देखिए ट्रेन का। मेन ठंडी है ना भाई साहब, ये हाथ के कलाई रहती है ना इसके अंदर लगती है, और ग्लव्स नहीं अभी इस वक्त हमारे पास। दरअसल मैंने सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी। तो भैया है एक चाय दे दीजिए। हाँ एक
स्पेन में पेंड्री कार साइड पेंड्री है नहीं, तो एक भैया लोकल वेंडर है बेच रहे हैं चाय, काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट चाय है भाई का, टेस्टी है एकदम। तो कहीं चाय पीने के बाद अब अंदर से थोड़ी भाई गर्मी महसूस हो रही है, पूछे नहीं थे इतने ज़्यादा ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, वो भी राजस्थान में। जो रूट है ना उदयपुर से असरवा के बीच, इसमें केवल 5 ही ट्रेन है जो रन करती, तो उतना कुछ ट्रैफिक नहीं होता। और मैं बता दूं असरवा जो है ये आता है अहमदाबाद में, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर दूरी पे है। अभी हम लोग डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो फटाफट अपनी ट्रेन निकल जाएगी, इतना यहाँ पे कुछ हैवी ट्रैफिक नहीं होता ट्रेन का। 5 ही ट्रेन है जो केवल रन करती है इस रूट के अंदर, उसमें भी एक डीमयू है और एक इंटरसिटी है और 3 एक्सप्रेस ट्रेनें हैं इस ट्रेन को मिला के। ध्यान रखिएगा उदयपुर से हिम्मत नगर के बीच चाय नाश्ता पानी कुछ भी नहीं मिलने वाला। वो तो एक लोकल वेंडर थे भैया, वो बेच रहे थे, उनकी चाय भी भाई गजब की थी। खैर हॉन्किंग हो गई है, डिपार्ट का टाइम हो गया, 2 मिनट रुकी यहाँ पे ट्रेन, निकल चुके हम लोग यहाँ से भी अभी। दरअसल ये इंटरसिटी है उदयपुर से असरवा के बीच चलने वाली। तो जैसा कि हमने आपको बोला कि ये सिंगल नॉन इलेक्ट्रिफाइड रूट है, तो इंटरसिटी पास हुई ना उसके बाद अपनी ट्रेन को यहाँ से निकाला गया। यहाँ पे तो निर्धारित समय से बिल्कुल ऑन टाइम पे अभी हम लोग जा पहुँचे हिम्मत नगर जंक्शन। बाकी जंक्शन पॉइंट इसलिए ना क्योंकि यहाँ से एक लाइन खेड़ ब्रह्मा की तरफ निकल गई है, हालांकि लाइन जो था वो मीटर गेज था, तो वो अंडर कन्वर्जन है अभी। समोसे कैसा दिया? यहाँ हिम्मत नगर से 36 रुपये की 3 समोसे लिए, एकदम गर्मा गर्म है। अभी इसको खाते हैं और इसका टेस्ट बताते हैं आपको। बाकी हमने कहा था ना भाई कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा, तो वो सीधा हिम्मत नगर जंक्शन पे ही मिलेगा। चलिए फिलहाल मैं भी S3 में आ गया। दरअसल 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया गया हिम्मत नगर जंक्शन पे, यहाँ पे 5 मिनट ट्रेन रुकनी चाहिए। खाते हैं और फिर आपको टेस्ट बताते हैं हालांकि कैसा है ये हिम्मत नगर के गर्मा गर्म समोसे। एकदम ठंडी के टाइम पे गर्मा गर्म कोई चीज़ मिल जाती है ना भाई, इसको खाने का मज़ा ही दुगना हो जाता है। 50 के 4 समोसे दे रहे थे, हमने उनको 40 दिया, तो उनने हमको 4 रुपया वापस किया, 3 समोसे दिए, मतलब 36 रुपये के 3 समोसे। आप आते हैं ना ये रूट में तो एक बार भाई ट्राई ज़रूर करिएगा हिम्मत नगर के ये समोसे, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। समोसे का क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ही बढ़िया है भाई, काफ़ी ज़्यादा। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे तालोड़ से निकल रहे हैं, तालोड़ के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई थी ट्रेन। इस तरीके का है कुछ ये असरवा रेलवे स्टेशन। यहाँ से अहमदाबाद जंक्शन की दूरी करीब 3 किलोमीटर की है, तो यहाँ से अहमदाबाद के लिए ट्रेनें नहीं जाती, यहाँ से आपको अहमदाबाद जाना है तो उसके लिए बाय रोड जाना पड़ेगा। देखिए स्टेशन के बगल में सब घर बसे हुए हैं। पब्लिक यहाँ पे समझ ही नहीं पा रही है कि लास्ट स्टेशन की क्या है, क्योंकि कहीं पे भी बोर्ड नहीं लगाया हुआ है। देखिए हमें खुद ये चीज़ हाल ही में पता चली कि असरवा जो है ये अहमदाबाद में ही आता है, बस दोनों स्टेशन अलग अलग है, दोनों की करीब दूरी 3 से 4 किलोमीटर की है अप्रॉक्स, ढाई से 3 किलोमीटर की, मैं 3 से 4 ज़्यादा बोल रहा हूँ। कहीं पे भी ना स्टेशन पे बोर्ड नहीं लगाया हुआ, पब्लिक कंफ्यूज हो रही है कि यही असरवा है या कौन सा और है भाई। मीटर गेज ट्रेनें यहाँ पे चला करती थी। गंदगी देखिए यहाँ पे पटरियों पे कितना सारा, यहाँ पे साफ़ सफाई की भाई कुछ, यही है भाई एक छोटा सा असरवा रेलवे स्टेशन। एकदम आगे की तरफ कहीं जाके यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म पे एक शेड है छोटा सा, उस पर लिखा हुआ है असरवा,
बाकी यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक है ना भाई, कहीं पे भी शेड नहीं दिख रहा आपको, कुछ भी नहीं है, बोर्ड शेड वगैरह कुछ नहीं है। यही है भाई इस ट्रेन का फाइनल डेस्टिनेशन। चलिए आज की छोटे से व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। होप कि हम लोग मिलते हैं आपसे एक अगली नई वीडियो में, एक लॉन्ग जर्नी में। नीचे कमेंट करना भूलिएगा नहीं अपनी फेवरेट जर्नी, क्योंकि आप लोग जानते हैं आपका भाई आपकी ही रिकमेंड की हुई ट्रेन जर्नीस करता है। सो गाइस चलिए एंड करते इस व्लॉग को यहीं पे, मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली नई जर्नी में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। क्यों भैया, चलिए।